पाताल लोक। अब तक तो आप इसके बारे में बहुत कुछ देख सुन चुके होंगे, हो सकता है कि आपने ये सीरीज भी पूरी देख डाली हो, और अगर नहीं देखी तो हम आपको बताते हैं वो 12 चीजें जो इस सीरीज के एपेटाइजर के तौर पर काम करने वाली हैं। अगर सीरीज देख भी ली हो तो भी आपको इन बातों को सुनने में अद्भुत आनंद आने वाला है, क्योंकि तब शायद आप और अच्छे से रिलेट कर पाएं। आपको इन 12 बातों में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस और कहानी के बारे में जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी बात हम अलग से एक वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आइए बाकी बातों के बारे में भी बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सीरीज के कई सीन ऐसे बन पड़े हैं कि अचानक मुंह से निकल पड़ता है वाह। एक सीन है सीरीज की शुरुआत में, जब मशहूर पत्रकार संजीव मेहरा को पत्रकार घेर लेते हैं, बाइक से पपराजी फ्लैश अटैक होता है, तो साथी पत्रकार पूछता है कौन है ये लोग, कहां से आ जाते हैं। इसके जवाब में संजीव मेहरा जो जवाब देता है वो इस पूरे सीन को पोएटिक बना देता है। संजीव कहता है दे आर अस, यानी वे हम ही हैं। पॉइंट नंबर 2, सत्या मूवी में एक सीन है जहां पर एक अश्लील चुटकुले के समाप्त होते होते गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। ये सीन इसलिए मास्टरपीस है क्योंकि इसमें इमोशन बहुत तेजी से या लगभग अचानक बदलते हैं। आपने स्टैंड अप कॉमेडी देखते हुए भी गौर किया होगा कि अंत में अगर हल्की सी इमोशनल बात भी आ जाए तो हमारी आंखें भर आती हैं, जबकि वैसी या उससे ज़्यादा भावनात्मक बातें हम अन्यथा आसानी से पचा जाते हैं, जैसे आंखें अंधेरे के बाद उजाले या उजाले के बाद अंधेरे में तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाती, वैसे ही अचानक से इमोशंस के गियर चेंज होने पर हमें शॉक लगना ऑब्वियस है। यही होता है पाताल लोक में, जब 3 बच्चे नॉनवेज चुटकुला सुन या सुना रहे होते हैं। ये पूरा सीक्वेंस और भी शॉकिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 एपिसोड बीत चुके हैं, तब जाकर सीरीज का ये पहला विभत्स सीन आता है, मानो झकझोर के उठा के दर्शकों को सीट में बैठा दिया हो। पॉइंट नंबर 3, कुछ दिनों पहले दी न्यूज रूम देखी थी, एक वेब सीरीज। दरअसल ये एक सीरियल था जो HBO में आता था, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए एक वेब सीरीज थी। तो उसमें किसी न्यूज़ रूम के अंदर के सीन और वहाँ का पूरा काम बड़े ही प्रभावी ढंग से दिखाया गया था। आखिर वो सीरीज़ थी भी न्यूज़ रूम पर बेस्ड। पाताल लोक में न्यूज़ रूम और स्टूडियो के सीन देखते हुए उस सीरीज़ का याद आना इस सीरीज़ के लिए, यानी कि पाताल लोक के लिए, एक कॉम्प्लीमेंट है। पॉइंट नंबर 4, सीरीज़ में धार्मिक और जातिगत पूर्वाग्रहों को भी बहुत सटल तरीके से दिखाया गया है, जैसे पंजाब वाले सीक्वेंस में मंजारों का ऊंची जातियों द्वारा उत्पीड़न और फिर उसके जवाब में मंजारों का हिंसक रिवॉल्ट, और जब अंसारी सिविल सर्विसेज का एक प्रैक्टिस इंटरव्यू दे रहा होता है तो एक सहप्रतियोगी बोलता है चिंता मत कर भाई, हो जाएगा तेरा, उनको भी तो रिप्रेजेंटेशन दिखाना होता है, और जब कबीर नाम का एक कैरेक्टर अपनी धार्मिक पहचान छुपाने के लिए सर्जरी सर्टिफिकेट बनाता है या अपना धर्म छुपाने के लिए अपने लास्ट नेम का सिर्फ एक अक्षर M का इस्तेमाल करता है, या जब उसका पिता बोलता है जिस लड़के को मैंने मुसलमान नहीं बनने दिया आप लोगों ने उसे जिहादी बना दिया। पॉइंट नंबर 5, रीसेंट मॉब लिंचिंग्स, US ईरान टेंशंस, मराठवाड़ा ड्रॉट्स, फार्मर सुसाइड, न्यू कास्ट इक्वेशंस फॉर द UP इलेक्शन, फेक न्यूज़। न्यूज़ रूम की मीटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें आपको एक वाइट बोर्ड में लिखी हुई देखने को मिलती हैं, वाइट बोर्ड जिसमें खबरों के लिए आइडिया नोट किए जा रहे हैं। हालांकि ये वाइट बोर्ड ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर नहीं दिखता, लेकिन हमने इसे पॉज करके देखा तो इसमें लिखी हुई चीज़ों को पढ़कर खुशी हुई कि डिटेलिंग का किस कदर ख्याल रखा गया है। एक लंबी अवधि के ऑडियो विजुअल कंटेंट में बनाने वाले या तो अंत तक आते आते या बीच बीच में थोड़ा बहुत ढीले पड़ जाने लगते हैं, निपटा दो जैसे तैसे वाला एटीट्यूड आ जाता है। पाताल लोक में आपको ये आलस ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दिल्ली और यमुना पार के लोकेशंस,
चित्रकूट, यूपी के लोकेशंस, पंजाब के लोकेशंस, गरीब मध्यम वर्ग और हायर क्लास के घरों के इंडोर लोकेशंस, जेल का माहौल। इससे पहले इतने करीब से जेल का माहौल क्रिमिनल जस्टिस में देखने को मिला था। लोगों की बातचीत में हल्का सा स्थानीय भाषा का प्रभाव। इस सब चीज़ों को लाने के लिए जामताड़ा या एक्सट्रैक्शन की तरह सिर्फ कलर टेम्पलेट बदल कर ही काम नहीं चला लिया गया है, बाकायदा अंदर तक घुसा गया है। पंजाब के गांव की पगडंडियाँ, यमुना पार और दिल्ली के बाहरी इलाकों के रेतीले मैदान, कूड़े के ढेर, एक तरफ रिनोवेट हो रहा चित्रकूट का पुलिस थाना जो धूल और गुबार से भरा है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर जिसमें हर चीज़ सरकारी होते हुए भी चाक चौबंद है, मीडिया ऑफिस, आनंद विहार बस स्टैंड, यूपी रोडवेज की बे इंतहा खटारा बस और भी हज़ारों ऐसी चीज़ें जिसे देखकर आपको सब कुछ सामान्य लगता है, अधिक या कम नहीं, सामान्य। इस सब की तुलना जरा कभी खुशी कभी गम के चांदनी चौक वाले सेट से करके देखिएगा, आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। और ये परफेक्शन केवल लोकेशन और डायलॉग के स्तर पर ही नहीं, ऑफिस पॉलिटिक्स, लाइफ स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और मेकअप के स्तर तक भी दिखाई देता है। लिफ्ट के अंदर घुसते हुए एक हाथ आगे कर देना ताकि लिफ्ट बंद ना हो जाए, ये और इस जैसे कई सीन्स देखकर आप निश्चित नहीं कह सकते कि ये सब अपने आप हुआ होगा या सायास किया गया, लेकिन इसके चलते पूरी सीरीज रियलिटी के और करीब होती चली गई। पॉइंट नंबर 6, ये जो दुनिया है ना, ये एक नहीं तीन दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्ग लोग जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोग जिसमें आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोग जिसमें कीड़े रहते हैं। वैसे तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। ये इस सीरीज़ का एक डायलॉग है जो इस सीरीज़ के नाम को जस्टिफाई करता है, और इस डायलॉग को जस्टिफाई करती है सीरीज़ की लोकेशंस और तीन क्लासेस। स्वर्गलोक में संजीव मेहरा और डीसीपी भगत रहते हैं, तो धरती में हाथीराम और पाताल लोक में त्यागी। पॉइंट नंबर 7, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि इस सीरीज को दर्शकों के साथ इमोशनली कनेक्ट करवाना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन शायद या तो मेकर्स की मंशा ही ना रही हो या फिर ऐसा करने में वो हल्के से मार्जिन से चूक गए हैं। मतलब इसे ऐसे समझिए कि आप ज़्यादातर सीन्स देखकर कहते हो हाँ ऐसा होता है, मैंने देखा है, या ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन कभी भी आपको वो चीज़ देखकर या वो सीन्स देखकर इमोशनल तौर पर असहज महसूस नहीं होता, आप क्रमशः हंसते या रोते नहीं हैं। पॉइंट नंबर 8, एक बार की आपको देखकर यह भी अजीब लगता है कि सीरीज में सब कुछ डालने की कोशिश कर दी गई है, मॉब लिंचिंग, जातिवाद, इस्लामोफोबिया, फेक न्यूज, डाकू, बाहुबली, चाइल्ड एब्यूज, प्रेम, धोखा, बदला, थर्ड जेंडर। इसमें से कई चीज़ें तो खैर मेन प्लॉट का हिस्सा हैं, लेकिन कई चीज़ें इतनी तेज़ी से आती हैं और इतनी शॉर्ट लिव्ड हैं कि सीरीज़ इन सब चीज़ों पर उंगली तो रख देती है, लेकिन कहीं से भी आपको झकझोरती नहीं, सोचने पे विवश नहीं करती, छूकर निकल जाने जैसा। कुछ नियो नुआर वेब सीरीज़ से इसकी तुलना की जाए तो बेशक इस सीरीज़ का इमोशन कोशेंट सेक्रेट गेम्स या मिर्ज़ापुर से कहीं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती। पॉइंट नंबर 9, एक तो किसी जासूस, किसी पुलिस वाले, किसी वॉर हीरो को पारिवारिक उलझनों में दिखाना काफ़ी पुराना हो गया है। चाहे हॉलीवुड में ट्रू लाइज जैसी मूवीज हों या इस एक थीम पर बेस्ड इंडियन वेब सीरीज फैमिली मैन, इससे स्क्रिप्ट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और कंटेंट का हीरो हम आम लोगों के और करीब आ जाता है। अब ये सब होना चाहिए या नहीं, नहीं कह सकते, लेकिन ये रिपीटेटिव और ऑब्वियस तो ज़रूर लगता है। पॉइंट नंबर 10, कुछ आइडिया बहुत फारफेच भी लगते हैं जिन्हें केवल बेनिफिट ऑफ डाउट और क्रिएटिव लिबर्टी के चलते पासिंग मार्क दिए जा सकेंगे। जैसे पहला, चीनी नाम का एक नॉर्थ ईस्टर्न कैरेक्टर बचपन से दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्टेशन में रहता है, फिर भी हिंदी ढंग से नहीं बोल पाता, गोया सालों से नहीं, कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया हो। दूसरा, आपने गौर किया होगा कि SUV गाड़ियों का पीछा खटारा ऑटो से किया जा रहा है और किसी को इस बात पर शक भी नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 11, अवेंसडे का एक डायलॉग है, जब तक आपको मालूम नहीं था मैं कौन हूँ, आप मुझसे डर भी रहे थे, मुझे
सीरियसली भी ले रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया मैं एक आम आदमी हूँ, तो आपकी आवाज़ में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया है। शायद अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी है, अब तो पकड़ लूँगा। सोचिए ये बात कितनी सच है, सामने कौन है, इस बात का आपके कॉन्फिडेंस पर काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। पाताल लोक में हाथीराम एक जगह संजीव मेहरा से कहता है, आपसे जब पहली बार मिला था ना, तो मुझे लगा था कि कितने बड़े आदमी हो आप और मैं कितना छोटा। इस केस में मेरी चाहे कितनी भी वाट लगी हो, कम से कम ये गलतफहमी तो दूर हो गई। पॉइंट नंबर 12, स्टीवन स्पिलबर्ग के सामने जॉज बनाते हुए ये दिक्कत आई थी कि उनकी नकली यानी मैकेनिकल शार्क खराब हो गई थी। उसे सही करवाने के बदले स्टीवन ने एक और धासु निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक के सिद्धांत का सहारा लिया। क्या था वो सिद्धांत? वो सिद्धांत ये था कि अज्ञात का भय सबसे खतरनाक होता है। और फिर इसके बाद स्पिलबर्ग ने नकली शार्क का बहुत कम इस्तेमाल किया। शार्क के मूवी में न होने से जो प्रभाव पड़ा, उसने जॉज को ब्लॉकबस्टर बना दिया। आज 40 साल बाद भी फिल्म मेकर्स इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। पाताल लोक में भी दोनलिया नाम के डाकू से एक अज्ञात का भय बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। तो ये थी वो 12 बातें जो हमारी नज़र में आई। अगर आपको लगता है हमसे कोई ऐसी बात छूट गई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया।